आज मैं आपके साथ कम से कम टाइम में एकदम परफेक्ट मिल्क केक कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये मिल्क केक एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी हेल्दी फूड। आज हम बनाएंगे मिल्क केक। मैंने यहाँ पे एक पैन में 3/4 कप मिल्क लिया है। अभी हम उसमें 3/4 कप चीनी और 3/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मैंने अभी तक गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। पहले हम मिल्क और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ बैटर बना के ले लेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें लम्स ना हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे मिल्क और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ बैटर बना के ले लिया है। अभी हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको गाढ़ा होने तक पकने देंगे। हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए 3-4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें की शुगर मेल्ट हो गई है और ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम ये स्टेज पे इसमें 500 ग्राम पनीर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पनीर को ग्रेट करके लिया है, वो डाल देंगे। अभी हम पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ये मिक्सचर गाढ़ा होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। ये प्रोसेस को 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है ये मिक्सचर बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकना चाहिए, नहीं तो बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम ये स्टेज पर इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ली है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके अभी हम इसको 2-3 मिनट तक और पकने देंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। बर्फ़ी का मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। ये स्टेज पर अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक केक टिन को घी से ग्रीस करके ले लिया है। अभी हम ये मिक्सचर उसमें डाल देंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बर्फ़ी सेट करने के लिए आप थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम मार्केट स्टाइल बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता बारीक चॉप करके ले लिए हैं। अभी हम वो बर्फ़ी के ऊपर डाल देंगे और हल्के से उसको प्रेस कर लेंगे। बर्फ़ी को अभी हम 1 आवर के लिए खुली हवा में रख देंगे। बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। 1 आवर के बाद आप देख सकते हैं बर्फ़ी एकदम सेट हो गई है। अभी हम उसके पीसेस कट कर लेंगे। इसको साइड से निकाल लेंगे और उल्टा करके उसको टैप कर लेंगे। अभी हम बर्फ़ी को दूसरे प्लेट में पलट देंगे। अभी हम बर्फ़ी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मिल्क केक बन गए। एकदम सॉफ्ट भी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।